सो लेट्स टॉक अबाउट इट। 2 अप्रैल इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। जैसा कि अपन जानते हैं ये होती है नपा। नपा क्या होता है भाई? ये होती है फार्मास्यूटिकल की प्राइस को सेट करने के लिए एक तरह की अथॉरिटी होती है, जिसने कुछ अभी एक यूनिट बनाई है। इस यूनिट का जो है रजिस्ट्रेशन किया गया है स्टेट गवर्नमेंट के अंदर, ये काम करती है और इसको फंड जो है वो नपा के द्वारा दिया जाता है, ठीक है ना। तो ये एक तरह से है कि आजकल जो कोरोना वायरस है उसकी वजह से जो ड्रग्स की प्राइस वगैरह बढ़ रही है, तो नपा और स्टेट गवर्नमेंट मिलकर इसको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने पहले ही बताया था कि जो ड्रग्स होती हैं वो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा ही इम्प्लीमेंट की जाती हैं और डिस्ट्रीब्यूट की जाती हैं। नेक्स्ट चलते हैं अपन जम्मू कश्मीर के ऊपर। कुछ सिविल सर्विसेज का ये लॉ आया है, अपने काम करनी है क्योंकि अपन वहाँ जा नहीं रहे, कुछ फालतू की बातें हैं। तो नेक्स्ट चलते हैं अपन, इसमें है काउंटर साइक्लिक कैपिटल बफर। ये क्या चीज़ होता है? ये जो है अभी हाल ही में RBI के द्वारा घोषित किया गया है। इसको 2015 में लाया गया था। इसमें होता क्या है कि कैपिटल बफर, कैपिटल का मतलब आपको पता ही है कि भाई जो हमारा पूंजी है उसको अपन को क्या करना है, सुरक्षित करना है। तो अभी क्या है कि अगर जो बैंकिंग सेक्टर है उसको ज़्यादा नुकसान ना हो, उस नुकसान को बचाने के लिए अभी RBI ने ये कैपिटल बफर को लेके आई है। अब कैपिटल बफर होता क्या है? कैपिटल बफर का मतलब होता है बैंक टू होल्ड दी कैपिटल। मतलब जो आपके पास अगर 10 रुपये हैं तो आप उसको होल्ड करके रखो, उसको उधार मत दो, क्योंकि अभी आने वाले टाइम में जो इकोनॉमी है वो हो सकता है कि डाउन चली जाए। तो एक लिमिटेड अमाउंट जो है उसको क्या करना है, अपन को बफर करना है, सारे अमाउंट को नहीं लेकिन लिमिटेड अमाउंट को। तो Basel III नॉर्म्स के अंदर ये चलता है, और ये Basel III जो होता है वो वॉलेंटरी होता है, जिसको बनाया है बैंक ऑफ सेटलमेंट ने, और ये 2007 और 2009 में जो क्राइसिस आया था उसके बाद इसको बनाया गया था। नेक्स्ट चलते हैं, एंटी स्मोग गन जो है ये फालतू की गन होती है। इसमें जो पोल्यूशन होते हैं, वाटर ड्रॉपलेट जो छोड़े जाते हैं पोल्यूशन को कम कम करने के लिए, एयर पोल्यूशन को, सो इट इज़ नॉट इम्पोर्टेंट फॉर अस। नेक्स्ट चलते हैं, पेट्रियाइट, ये जो होता है पेट्रियाइट जो एयर डिफेंस सिस्टम है, ये जो है बेसिकली अमेरिका का है, और अमेरिका ने जो है मदद की है इराक की, क्योंकि जो ईरान है वो बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है, सो नॉट इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट चलते हैं, नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की बात करें तो ये स्टेचुरी बॉडी होती है जिसको एक्ट ऑफ पार्लियामेंट से बनाया गया था 63 में, और इसका ऑब्जेक्ट है प्लानिंग करना और अलग अलग क्षेत्रों में एग्रीकल्चर या जो भी है। नेक्स्ट चलते हैं स्टैटिक क्विज की ओर, चलते हैं पॉलिटी के ऊपर। वीटो पावर, अगर हम बात करें प्रेसिडेंट के पास वीटो पावर होती है कि वो गवर्नमेंट बिल और प्राइवेट बिल दोनों में ही वीटो जो है वो लेके आ सकता है। हालांकि मनी बिल और कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के अंदर वो सस्पेंसिव वीटो या फिर दूसरे किसी भी प्रकार के वीटो की शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकता है, क्योंकि मनी बिल को लाना ज़रूरी होता है और कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट को भी लाना ज़रूरी होता है। नेक्स्ट चलते हैं, स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन की हम बात करें तो इसका अपॉइंटमेंट जो है वो गवर्नर के द्वारा किया जाता है, लेकिन रिमूव प्रेसिडेंट उसको करता है, वेरी इंपॉर्टेंट ध्यान रखना। और इसके अंदर क्या होता है कि जो स्टेट जो कमीशन होता है वो स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट दोनों ही जो 7 शेड्यूल के अंदर आती हैं उनके अंदर वो अपना फैसला सुना सकता है, सो इट इज़ काइंड ऑफ इम्पॉर्टेंट। वाइस प्रेसिडेंट के जो इलेक्शन होते हैं उसमें एक इलेक्ट्रॉल कॉलेज होता है, उस कॉलेज में कोई लोग वोट दे सकते हैं, कुछ लोग नहीं दे सकते हैं। वाइस प्रेसिडेंट के अंदर इलेक्टेड और नॉमिनेटेड मेंबर दोनों ही जो पार्लियामेंट के होते हैं वो वोट कर सकते हैं, लेकिन प्रेसिडेंट में सिर्फ इलेक्टेड मेंबर कर सकते हैं। वाइस प्रेसिडेंट के अंदर स्टेट गवर्नमेंट भाग नहीं लेती है या स्टेट असेंबली भाग नहीं लेती है, लेकिन प्रेसिडेंट के अंदर इलेक्टेड मेंबर ऑफ स्टेट असेंबली भाग लेती है। तो यू शुड नो इट्स वेरी वेल वेरी इंपॉर्टेंट। इलेक्शन कमीशन की हम बात करें तो ये परमानेंट कमीशन होता है, ये कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी होती है क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन किया गया है इसको। और इसके अंदर क्या होता है, इम्पीचमेंट के द्वारा इसके कमिश्नर को हटाया जाता है। स्टेट गवर्नमेंट अगर कोई इलेक्शन करवाती है तो सारा खर्चा इलेक्शन जो स्टेट गवर्नमेंट होती है वही देती है, सेंट्रल गवर्नमेंट की कोई जिम्मेदारी नहीं है। सेंट्रल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि यूनियन गवर्नमेंट के जो भी इलेक्शन होते हैं वो उसका पैसा केंद्र सरकार देती है, स्टेट गवर्नमेंट में अगर कोई इलेक्शन होते हैं तो उसका पैसा स्टेट गवर्नमेंट देती है। मनी बिल की हम बात करें तो मनी बिल जो है वो सिर्फ लोकसभा में आता है, राज्यसभा में इसको नहीं लाया जा सकता, राज्यसभा वाले इसको रिजेक्ट भी नहीं कर सकते हैं। तो राज्यसभा की जो बातें हैं वो लोकसभा वाले चाहे माने या ना माने उनकी मर्जी है, लोकसभा ज़्यादा पावरफुल होती है इन केस ऑफ मनी बिल। नेक्स्ट चलते हैं, बोर्नियो आइलैंड जो होता है वो आपको ध्यान में होना चाहिए कि उसमें कहाँ कहाँ है। तो बोर्नियो आइलैंड जो है मलेशिया, ब्रुनी और इंडोनेशिया तीनों का एक मिक्सचर आइलैंड है। तो ये यू कैन सी इन द मैप,
देर आर साउथ चाइना सी सेबल्स, ये वगैरह वगैरह जावा सी दैट यू शुड नो। नेक्स्ट चलते हैं, गल्फ ऑफ मन्नार जो होती है वो फर्स्ट मरीन बायोस्फीयर है भारत का, जो कि रामेश्वरम से तुतीकोरम तक है, और ये यूनेस्को के MAB के अंदर भी आता है। मेडिसिन सेंस फ्रंटियर से नाम से पता चलता है कि मेडिसिन से रिलेटेड कुछ ह्यूमेटेरियन ऑर्गेनाइजेशन होती है, हालांकि इसका यूनाइटेड नेशन से कोई भी लेना देना नहीं है, ये एक इंटर गवर्नमेंटल बॉडी होती है। माइक्रोडॉट एक टेक्नोलॉजी होती है जो किसी व्हीकल या किसी मशीन के ऊपर लगाई जा सकती है। किसी भी व्हीकल या के ऊपर एक छोटा सा डॉट लगा दिया जाता है, और ये डॉट जो होता है उसके अंदर गाड़ी की सारी इन्फॉर्मेशन होती है। ये अल्ट्रा वायलेट लाइट जो होती है उसके अंदर आप देख सकते हो उसको, और इसको आप मॉडिफाई या डैमेज अगर कर सकते हो तो ठीक है, नहीं तो आप ये काफ़ी हिडन होती है। आयोडीन की अपन बात करें तो एक माइक्रो न्यूट्रिएंट होता है, नॉट मैक्रो। इसकी कमी से जो है आपका IQ कम हो सकता है। सो दिस इज़ आवर न्यूट्रिएंट्स, थैंक यू।